हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2020, और आज के दिन भारतीय इतिहास में क्या कुछ खास घटनाक्रम हुए थे अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आज के दिन सन 1920 को त्रावणकोर भारत में भारत के 10वें राष्ट्रपति और पत्रकार रहे कोचेरीलाल रामन नारायणन का जन्म हुआ था। ये भारतीय गणराज्य के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें 14 जुलाई 1997 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई थी। श्री आर के नारायणन को कुल मतों का 95% हासिल हुआ। मतगणना का काम 17 जुलाई 1997 को पूरा हुआ। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टी एन शेषन इनके प्रतिद्वंदी रहे। 25 जुलाई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा ने के आर नारायणन को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 को पूरा हुआ। और दोस्तों, अगर बात की जाए पुरस्कार और उपाधियों की तो ये वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लॉज से सम्मानित रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आज ही के दिन सन 1904 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में जतींद्रनाथ दास का जन्म हुआ था। ये भारत के जाने माने क्रांतिकारियों में से एक रहे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए और शहादत हासिल की। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है, और इनके संगी साथी इन्हें प्यार से जतिन दा कहते थे। जतींद्रनाथ दास कांग्रेस सेवा दल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। भगत सिंह से मुलाकात होने के बाद ये बम बनाने के लिए आगरा आ गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे, उन बमों को इन्होंने ही तैयार किया था। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन शुरू किया। जतींद्रनाथ दास भी इसमें शामिल हुए। अनशन के 63वें दिन जेल में ही इनका देहांत हो गया दोस्तों। और बात की जाए आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की तो आज के दिन सन 1907 को ब्रह्म बांधव उपाध्याय का निधन हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, धर्मशास्त्री और रहस्यवादी रहे। इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1861 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। इन्होंने गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करने में सहयोग दिया था दोस्तों। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन शास्त्र पर इंग्लैंड में कई भाषण दिए। बाद के दिनों में कई पत्रों का संपादन भी किया और अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजक लेख भी लिखे दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। और ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।